दोस्तों जय हिंद जय भारत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यंग इंजीनियर पर है एक बार फिर से हार्दिक स्वागत जिस पर मिलती है आपको आईटीआई एग्जाम से जुड़ी सभी जानकारी वो भी बिल्कुल फ्री हम लाते रहते हैं आपके लिए टाइम टाइम पर टाइम से पहले एग्जाम से रिलेटेड सभी अपडेट वो भी बिल्कुल फ्री और एक ऐसी ही बड़ी अपडेट के साथ में हम हुए हैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर जी हाँ जो आपको डीजीटी की साइट दिखाई दे रही है पीछे उस पर एक बहुत बड़ी अपडेट डीजीटी ने अपनी वेबसाइट पर डाली है और वो नोटिस क्या है उस नोटिस में उन्होंने क्या क्लियर किया है इसके बारे में हम जानेंगे आगे मगर हमेशा की तरह मैं कहूँगा जिन भी आई भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब के बटन पर करें क्लिक और जल्दी से करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिसके ऊपर मिलती है आपको सभी जानकारियां वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट तो चलिए चलते हैं जल्दी से उस न्यूज़ की ओर डीजीटी का ये नोटिस तो आपको ध्यान में ही होगा जिसकी अपडेट हमने आपको एक जनवरी के दिन दी थी इसी नोटिस को वापस से संशोधित करते हुए और इसमें चेंज करते हुए सुधार करते हुए ताकि सभी आईटी बच्चों को ये समझ में आए कि आखिर उन्होंने इसमें क्या चीज़ कही है इसका सुधार करते हुए वापस से नोटिस को तैयार किया गया है और इस नोटिस में जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है वो है तीन और चार नंबर के ये दोनों पॉइंट इनको वापस से अपडेट किया गया है और इसमें क्या अपडेट किया गया है मैं आपको एक बार वापस से दिखा देता हूँ जो आपको तीन नंबर का पॉइंट दिख रहा है इसमें साफ़ साफ़ हिंदी में लिखा हुआ है कि डीजीटी अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा सैद्धांतिक भागों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो आयोजित जा रहे हैं, जनवरी दो हजार इक्कीस से आधार पर आरंभ करने की योजना बनाई जा रही है मतलब कि जिन भी बच्चों के दिमाग में पहले ये सवाल था कि सर चार जनवरी आकर निकल गई और हमारे एग्जाम नहीं हुए तो उन लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं जैसा कि हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि ये आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सभी बच्चों के जो है एग्जाम करवाए मतलब कि सभी स्टूडेंट तक ये खबर पहुंचाना आई की जिम्मेदारी होगी तो जैसा कि हमने आपको बताया था न्यूज में अपडेट किया था उसी के आधार पर ये जो न्यूज अपडेट आपके लिए की गई है कि चार जनवरी 2021 से अखिल भारतीय आधार पर आरंभ करने की योजना बनाई जा रही है मतलब कि चार जनवरी से जहां पर कंप्यूटर नहीं है वहां पर कंप्यूटर की व्यवस्था की जा रही है और जहां पर कंप्यूटर है वहां पर परीक्षा करवाई जा रही है तो सबसे पहले तो सीपीटी एग्जाम की प्रिपेयरिंग हो रही है तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है अगर आप लोगों के पास में नोटिस नहीं आया है तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए आप लोगों तक नोटिस पहुंच जाएगा जब भी आपके एग्जाम होंगे उससे एक हफ्ते पहले ही उसके बाद में जो चौथा नंबर का पॉइंट है वो उन प्रमोटेड बच्चों के लिए है जिनको डर था कि सर हमारे एग्जाम भी होंगे तो आपके इस सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा इसमें साफ लिखा हुआ है दो साल के व्यवसाय के प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा बाद में आयोजित की जाएगी मतलब कि जो आपके जून में और जो जुलाई के अंदर एग्जाम होते हैं वो परीक्षाएं बाद में ही की जाएंगी जो अभी अभी 2020 के अंदर इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट और जिनके दो साल का कोर्स है उनके लिए ये बात कही गई है और जो बच्चे प्रमोटेड किए गए थे जिनको डर लग रहा था कि उनका क्या होगा उनके लिए भी मैं बता देता हूँ आगे क्या लिखा हुआ है इस बीच दो वर्ष के व्यवसायों के प्रथम वर्ष के पात्र प्रशिक्षियों का पत्र संख्या डीजीटी ने उन्नीस चार दो के डीजीटी पार्ट में लिखा है जो 16 जुलाई 2014 में दिया गया था कि प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी प्रमोटेड किए गए हैं उनके लिए उपस्थिति मापदंड को पूरा करने के बाद में वो द्वितीय वर्ष में भेजे जा चुके हैं मतलब कि यहाँ पर जो बच्चे सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए हैं उनके लिए बात कही गई है कि आप टेंशन मत लीजिए आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं करवाए जा रहे हैं पर आपके अटेंडेंस और आपकी फीस की जो डिटेल है वो चढ़ाई जा रही है और उसके बाद में आपको जो है वो सर्टिफिकेट आप लोगों के दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर सर्टिफिकेट कब मिलेगा फर्स्ट ईयर का तो उसी की प्रावधान यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है देखिए अन्य मापदंड अर्थात परीक्षा शुल्क आदि पर विचार परीक्षाओं की घोषणा समय किया जाएगा मतलब कि जो आपकी अब सेकेंड ईयर की परीक्षा होगी उस टाइम पर इसकी घोषणा की जाएगी कि आपका क्या जो डेट रहेगी एग्जाम की वो क्या रहेगी ठीक है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये महान निदेशक कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा अनुमोदन जारी किया गया है यहाँ पर उनके साइन भी दिखाए गए हैं जी आर पी डीगरा के नाम से हैं जो निदेशक हैं व्यवसाय परीक्षण सेल के तो ये जानकारी थी आप लोगों के लिए आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में दूर दूर तक इसको शेयर कर दीजिए और जल्दी से जाकर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब जिससे मिलेगी आपको सभी अपडेट वो भी बिल्कुल सही टाइम पर धन्यवाद